दोस्तों, वर्कआउट के बाद 1 घंटे के अंदर नहीं लिया प्रोटीन तो क्या होगा? तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हेल्थ से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। अभी तक लोगों के द्वारा यही माना जाता रहा है कि वर्कआउट सेशन खत्म होने के तुरंत बाद मसल की रिकवरी और ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग फिटनेस और वर्कआउट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए उनको वर्कआउट के बाद प्रोटीन के सेवन के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। वहीं यह भी कहा जाता है कि वर्कआउट के 1 घंटे के अंदर प्रोटीन लेने से आपको मसल रिपेयर में मदद मिलती है, लेकिन वहीं कई बार हम प्रोटीन लेना भूल भी जाते हैं। ऐसे में हम सभी परेशान हो जाते हैं कि प्रोटीन नहीं लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आइए जानते हैं कि वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन लेना वाकई में सही है या गलत। तो अब समझते हैं एनाबॉलिक विंडो का क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिटनेस में एनाबॉलिक विंडो को छोटा टाइम फ्रेम माना जाता है, जो कि एक्सरसाइज के तुरंत बाद आता है, जिससे व्यक्ति को मसल की रिकवरी और ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। एनाबॉलिक विंडो में एक्सरसाइज के तुरंत बाद मसल्स बहुत संवेदनशील रहते हैं और यह प्रोटीन को अच्छी तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। वर्कआउट के 1 घंटे के अंदर प्रोटीन न लेने से या देर से लेने पर रिकवरी के दौरान मसल ग्रोथ कम हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में स्टडी क्या कहती है। हमेशा सलाह दी जाती है कि वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन हाल ही में एक स्टडी के अनुसार इसको स्वीकार नहीं करती है। जून 2017 में जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में कहा है, एक्सरसाइज का एनाबॉलिक प्रभाव 24 घंटे तक रहता है। ऐसे में व्यक्ति पूरे दिन में कभी भी प्रोटीन का सेवन कर सकता है। वहीं एथलीट को 1 घंटे के भीतर प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है, बाकी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा एक दिन में शरीर को प्रोटीन की कितनी ज़रूरत होती है, एक व्यक्ति को उसके वजन के अनुसार 0.8 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो यह बॉडी वेट के अनुसार 1 ग्राम से 1.2 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए।